गृह मंत्री अनिल देशमुख ने शुक्रवार को नागपुर निवास स्थान पर आयोजित पत्र परिषद में गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से कंत्राटी पुलिस भर्ती और ललित पाटिल के मुद्दे को लेकर सवाल पूछे हैं। शुक्रवार को गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में आयोजित पत्र परिषद में कंत्राटी पुलिस भर्ती पर किए वक्तव्य पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, महाराष्ट्र सुरक्षा बोर्ड के गार्ड घरों के सामने खड़े हैं, क्या उन्हें पुलिस भर्ती में नौकरी दी जाएगी, ऐसा सवाल उन्होंने उपस्थित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के कई युवा पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वे इंतजार करते हैं कि पुलिस भर्ती कब होगी, मुझे पता है कि महाराष्ट्र की पुलिस भर्ती क्षमता कितनी है, मैं गृह मंत्री था। ऐसा है कि हमारे महाराष्ट्र की जो हमारे युवा है करीबन गए डेढ़ दो ढाई साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी हालत में जो भारत में जो पुलिस भर्ती हो रही है उसमें हमारा नंबर लगना चाहिए, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए उसकी तैयारी कर रहे हैं, दौड़ने की तैयारी, एग्जरसाइज करी, ताकि जब भी फिजिकल के एग्जाम सरकार की हो उसमें हमारा नंबर लगना चाहिए, महाराष्ट्र पुलिस में नंबर लगना चाहिए। ऐसे हमारे हजारों युवक बेचारे महाराष्ट्र में गए ढाई तीन साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने जो पुलिस में भी कंत्राटी पद्धति का भर्ती करने का जो निर्णय लिया है, आज खुद देवेंद्र पंडित ने बोला कि 3000 लोग हम ऐसे वहाँ पे लेने वाले हैं। आज मुंबई पुलिस में या महाराष्ट्र पुलिस में जो भर्ती होना है उसमें कंत्राटी पद्धति की भर्ती कोई भी हालत में हम टॉलरेट नहीं करेंगे। जो देवेंद्र पंडित साहब ने जो बोला है कि हम जो सुरक्षा गार्ड है, सुरक्षा गार्ड मतलब घर के सामने जो सिक्योरिटी गार्ड है, ऐसे 3000 सिक्योरिटी गार्ड को हम महाराष्ट्र पुलिस में हम उसको काम देंगे। आज मुझे बताइए कि सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है, सिक्योरिटी गार्ड पुलिस का काम कर सकता है क्या, इसका पहले उन्होंने जवाब देना चाहिए करके। जो पुलिस सिक्योरिटी गार्ड 3000 कंत्राटी पद्धति से महाराष्ट्र पुलिस में जो ले रहे हैं उसको हमारा विरोध है, और देवेंद्र पंडित जो गृहमंत्री है उन्होंने ये निर्णय रद्द करना चाहिए। हमारे युवा साथी है, युवा साथियों की जल्द से जल्द एग्जाम लो, उनकी फिजिकल लो, उनकी ओरल लो, अब जल्द से जल्द जिसमें हमारे महाराष्ट्र के जो युवा साथी है तरुण लोग हमारे हैं उनको जल्द से जल्द चयन करके महाराष्ट्र पुलिस की जिम्मेदारी उनको देना चाहिए। अनिल देशमुख ने इसके साथ ही ललित पाटिल मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसकी कृपा से ललित पाटिल 9 महीने तक ससून अस्पताल में भर्ती रहे, ललित पाटिल ससून अस्पताल से बाहर कैसे चले गए, मेरा गृह मंत्री से सवाल है, उन्होंने इसका जवाब देना चाहिए। ललित पाटिल बाहर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं। ललित पाटा पाटील याला कोणतीही कोणताही असा गंभीर आजार नसताना 9 महिने तू ससून हॉस्पिटलमध्ये ललित पाटील कोणाच्या कृपेने त्या ललित पाटील त्या ठिकाणी भरती होता, नंबर एक। नंबर दोन, ललित पाटील ससून हॉस्पिटलमध्ये भरती असताना सुद्धा त्या ठिकाणी पोलिसांच्या पहाऱ्यामध्ये तू भरती असताना सुद्धा ललित पाटील ससून हॉस्पिटलच्या बाहेर कसा गेला? आज सरकार कोणाचं आहे, आज गृहमंत्री कोण आहे? गृहमंत्र्याला माझा प्रश्न आहे की ललित पाटील हा 9 महिने ससून हॉस्पिटलमध्ये कसा, ललित पाटील 9 महिने अटकेमध्ये पोलिसांच्या संरक्षणामध्ये ससून हॉस्पिटलमध्ये असताना सुद्धा तो हॉस्पिटलच्या बाहेर जाऊन आपली जे मैत्रीण आहे त्यांना भेटतो, हॉटेलमध्ये जाऊन जेवण करतो, गृहखातं काय करते महाराष्ट्राचं? आज त्याचं उत्तर गृहमंत्र्याला द्यायला पाहिजे की ललित पाटील हा 9 महिने कसा ऍडमिट होता ससून हॉस्पिटलमध्ये, त्याला असा कोणता गंभीर आजार होता की तो इतके 9 महिने त्या ठिकाणी आजार तिथे ऍडमिट होता? आणि ऍडमिट असलेला रुग्ण पोलिसाच्या संरक्षणामध्ये बाहेर जातो, आपल्या मैत्रिणींना भेटतो, हॉटेलमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी भोज मजा करतो, आणि गृहखातं काय करते, याचं उत्तर देवेंद्र पंडित दिलं पाहिजे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के महाराष्ट्र के मंत्री अनिल देशमुख ने मराठा आरक्षण मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिले, साथ ही उन्होंने मांग की है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाना चाहिए। देशमुख ने राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि इस सरकार ने ओबीसी और मराठा समाज को आमने सामने ला दिया है। तो
त्यात असं आहे की या सरकारने मराठा समाजांच्या बांधवांना आणि कुणबी समाजाच्या किंवा ओबीसी समाजाच्या बांधवांना एकमेकासमोर आणलेला ही अतिशय चुकीची गोष्ट आहे. त्याच्यामुळे या सरकारने घटनात्मक बदल करून मराठा समाजाची जी मागणी आहे आरक्षणाची, त्या मराठा समाजाला सुद्धा आरक्षण दिलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये तशा पद्धतीचा प्रस्ताव, तशा पद्धतीचं बिल यांनी पार्लमेंटमध्ये आणावं आणि पार्लमेंटमध्ये मेजॉरिटी आहे त्याची, तिथे मंजूर करून घ्यावं. हा प्रश्न सुटू दिसतो. कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़, नागपुर.